अपने विवादास्पद टिप्पणियों और पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा पहले पार्टी के स्टार प्रचारक और पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य में रैलियों को संबोधित करने से रोके जाने के बाद गुस्से में आए सिद्धू ने भी इससे दूर रहने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों में लगातार ऊंची आवाज में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के कारण उनका गला खराब हो गया है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बताया जाता है कि इससे पहले भी कांग्रेस के लिए दूसरे राज्यों में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए सिद्धू का गला खराब हो गया था, जिस कारण वह काफी लंबे समय तक आराम करते रहे। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 19 मई को होना है, जिसमें 5 दिन शेष रह गए हैं। कांग्रेसी नेताओं ने पहले कहा था कि सिद्धू को राज्य में चुनाव करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम भी शामिल है। इस बात को लेकर सिद्धू काफी नाराज हुए थे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें punjabkesari.com के साथ। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यश खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।